नमस्ते। आज मैं आपके साथ मूंग दाल की छीला की रेसिपी करने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला मूंग दाल छीला बनाने के लिए मैंने ये मूंग दाल 1 घंटा पहले ही भिगो के रखी थी। हाँ, बोल मैदा ली हूँ और थोड़ा सा अदरक और अपने हिसाब से। अब सबसे को अच्छे से धोकर मिक्सर जार में पीस लूँगी अदरक के साथ। ये देखिए, मैंने भीगा 1 घंटा पहले भीगा हुआ एक साथ अच्छे से इसलिए अच्छे से पीसना है। अब मैं इसमें मैदा डालूँगी। रखी हुई ये प्याज और धनिया डालूंगी। स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और ये थोड़ा सा सौंफ और अजवाइन। अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बच्चे जब स्कूल जाते वक्त हमारा भागा दौड़ी होता है, काम के बीच हमको टिफिन नाश्ता बनाना पड़ता है, तो ये मूंग दाल का छीला बना के भी टिफिन बॉक्स में डालेंगे तो बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। ये खाने में बहुत टेस्टी, किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। अब एक बार जो ट्राई करके देखिए, भी ज़्यादा मोटा हुआ है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया और इसमें एक चीज़ मिला, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूंगी मैं, एकदम एक चुटकी। ये देखिए, एकदम एक चुटकी डाल लिया, ज़्यादा नहीं। अच्छे से मिक्स कर लूँ धीरे धीरे। एक पैन गरम होने के लिए रख दी हूँ मैं। ये देखिए, मेरा पैन गरम हो गया। अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालूँगी। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं ये छीला। मेरा तेल गरम हो गया, अब इसमें मैं मूंग दाल का मिक्सर डालूंगी। इसमें करके भी अच्छे से फैला देना है। गैस का फ्लेम लो रखना है। बड़ा करके बना रही हूँ, आप चाहे तो छोटा छोटा करके भी बना सकते हैं। ऐसे अभी मैं इसमें ढक्कन लगा रही हूँ और 3 मिनट बाद चेक करूँगी। अगर पक जाएगा तो मैं डाल दूँगी। 3 मिनट हो गया, अभी 3 मिनट बाद मैं चेक करूँगी। ये देखिए, ढक्कन खोल दिया। ये देखिए, ये देखिए कितने नीचे से भी और
मैंने इस ठेला को पलट कर 2 मिनट पका ली हूँ। अभी मैं इसको निकालूँगी एक प्लेट में। ये देखिए मेरा मूंग दाल का छीला रेडी हो गया। अभी हम किसी भी सॉस, टमाटो सॉस या किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। अभी मैं इसको 4 पीस में काटूंगी। मूंग दाल के छीला को मैंने 4 पीसेस में काट दिया। देखिए कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है। इस छीला को बनाने के लिए एकदम कम टाइम में हम को खिला सकते हैं। लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी छोटा छोटा रेसिपी लेकर। बाय बाय।